देखिए बच्चों, आपने इस लेसन के बारे में समझा कि किस तरह से एक लड़की जो कि छोटी ही उम्र में बहरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे संगीत से कितना प्रेम था और बहुत कुछ उसने अपने जीवन में हासिल किया। यही है साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसा कि इसमें पेज नंबर 24 पे देखिए, बिफोर यू रीड, अब क्या बताया ऑथर ने, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी कि ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता तो छीनी, किसकी, वही एवलॉन जो थी, लेकिन उसको एक अद्वितीय कुछ क्वालिटी दे दी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं ना, शी फील्स, उसको वो महसूस करती थी, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा। कहते हैं कि ईश्वर जब हमारी एक कमी कोई कर देता है बॉडी में, तो हमें वो दूसरी चीज तेज कर देता है, जिसके माध्यम से हम अपनी पहली कमी को भुला करके अपनी दूसरी जो क्षमता, जो दूसरी कैपेसिटी है, उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं और पहली कमी उससे छुप जाती है और हम बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसी वजह से एवलॉन जो थी वो इतनी खूबसूरती से संगीत को बता सकती थी। क्लियर? तो ये है आपका लेसन। और जैसा कि मैंने थीम में भी लिखा हुआ है, वी शुड नॉट डिस्करेज, हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ अवर फॉल्ट, अपनी कमी के बावजूद, एंड वीकनेस, हमारे अंदर जो कमजोरी है, जो हमारी जो वीकनेस है, उन सबको हमें छुपा करके अपनी जो अच्छे क्वालिटी हैं, जो अच्छे और भी सेंस है, उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। क्लियर? अभी देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड वाज एवलॉन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कितने वर्ष की थी, 17। व्हेन वाज हर डफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म, पहली बार नोटिस कब किया गया उसकी बहरेपन का और कैसे कंफर्म हुआ। एवलॉन डफनेस वाज नोटिस फर्स्ट बाय हर मदर एट द एज ऑफ 8, 8 वर्ष की थी, व्हेन दे कॉल्ड हर नेम टू प्ले विद पियानो एंड शी डिड नॉट नो, पियानो के लिए बुलाया और उसने कोई गति नहीं की। एट द एज ऑफ 11 हर डफनेस वाज कंफर्म, और 11 वर्ष में उसके बहरेपन का कंफर्म हो पाया था। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, तो इसमें क्या है, आप पर क्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ड्स इंस्पायर्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही डू एंड से, ही प्लेड टू ड्रम्स बाय टू डिफरेंट नोट्स, है ना, आई एडवाइज हर नॉट टू हियर थ्रू ईयर्स बट टू सेंस इट थ्रू सम अदर मैनर, दूसरी तरीके से कैसे फील करो उसको, सुनो नहीं। फिर है आपका नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एवलॉन परफॉर्म्स, एवलॉन परफॉर्म फ्री कंसर्ट इन हॉस्पिटल एंड प्रिजन, शी ऑल्सो गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, शी परफॉर्म फॉर द कॉजेज ऑफ डफ एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अभी इसका ये दूसरा पार्ट आ गया, पार्ट सेकंड, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां, ये फर्स्ट पार्ट था द साउंड ऑफ म्यूजिक का, दूसरा है शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां, यानी कि बिस्मिल्ला खां की जो शहनाई है उसके बारे में इस लेसन में बताया हुआ है। क्लियर? तो हम इसकी भी समरी देखेंगे। द ऑरिजिन ऑफ शहनाई, ऑरिजिन माने शुरुआत, शहनाई की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पुंगी वाज नीडेड इंस्ट्रूमेंट, रीडेड इंस्ट्रूमेंट, पुंगी जो होती है एक रीड द्वारा सरकंडी सी बनी होती है, ऐसी बांस जैसी नलिका, वो इंस्ट्रूमेंट होती है, इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, जिसकी आवाज़ बहुत ही तीखी अनप्लीजेंट होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, एम्परर औरंगजेब बैंड इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस, इसलिए बादशाह जो औरंगजेब थे उन्होंने अपने महल में इसको बजाने के लिए बैन कर दिया, रोक दिया था। बट नाई मीन्स बार्बर जो शेविंग वगैरह करता है, मेड अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, विच प्रोड्यूस्ड मेलोडियस साउंड, जिससे अच्छी म्यूजिक निकलती थी, इट वॉज नेम्ड शहनाई,
जिसका नाम क्या रखा गया, शहनाई रखा गया। इट वॉज मेड ऑफ ब्रॉडर एंड लॉन्गर हेलोरी, जिसको कैसा बनाया गया था, एक चौड़ा लंबा है, हलो माने खोखला, एक बांस की नलका जैसा था। एंड हैड सेवन होल्स ऑन इट्स बॉडी, और इसके पूरे बॉडी में कितने छेद थे, सेवन, जैसे बांसुरी में देखा छेद होते हैं, सेम उसी तरह से। पॉपुलैरिटी ऑफ शहनाई, अब शहनाई की पॉपुलैरिटी, शहनाई बिकेम पॉपुलर, शहनाई बहुत पॉपुलर हुई। इट बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशस, और इसको ऑस्पिशस माने शुभ, बहुत ही शुभ माना जाता था। इट इज स्टिल प्रेड इन टेम्पल्स एंड एट वेडिंग्स, जिसको मंदिरों में और शादी के समय भी शहनाई बजाई जाती है। इन मॉडर्न टाइम्स, और आधुनिक समय में, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये जो एक संगीतकार हैं, हैज सो परफेक्टेड इट्स म्यूजिक, उन्होंने इसके संगीत को इतना अच्छा कर दिया, इट्स म्यूजिक दैट इट हैज बिकम क्लासिकल, कि ये शास्त्रीय संगीत का रूप इसने धारण कर लिया।